कभी मुंबई, कभी बेंगलोर रहा हूँ मैं, कभी कुवैत रहा हूँ मैं, तो कभी हैदराबाद, इतने सालों से करीब 10-12 साल से हैदराबाद। Hello my YouTube family, welcome to my YouTube channel Indian Rider Azad। तो कैसे हैं आप लोग? मैं करता हूँ कि आप लोग अच्छे से हैं। मैं भी अच्छा, जैसे कि आज है ट्यूजडे और भाई जोमेटो में जो है लॉग इन करने वाला नहीं हफ्ता, तो ये करेंगे। कल छुट्टी हो गई तो इसके लिए जो कि आप लोगों को ब्लॉग नहीं मिला एक दिन बीच में। देखो कैसा होता मस्ता बोले तो, अब रेगुलर जब काम पे जाते हैं ना अपन, तो रेगुलर जाने का दिल बोलता, फिर छुट्टी करने का दिल नहीं बोलता। लेकिन अगर एक दिन छुट्टी कर लिए ना, कल छुट्टी कर लिए अपन, आज दिल नहीं बोल रहा मेरा जाने का। एक दिन छुट्टी कर लिए तो फिर नेक्स्ट डे भी जो है कि दिल नहीं बोलता काम पे जाने का, सो जाओ पर दिल बोलता। बहरहाल लेकिन करेंगे, काम करना है भाई, तो चलिए लॉग इन कर लेंगे, देखेंगे जो है कि कहाँ का पहला ऑर्डर डालेंगे, कितनी आज अर्निंग होती, कितने ऑर्डर होते, पूरे चीज मैं बताता हूँ आप लोगों को। आप लोगों का पूरा वीडियो लास्ट देखिए भाई प्लीज, अगर पसंद आए तो सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पुराने भी है अगर नहीं करके रखे तो भाई कर लो, कुछ भी नहीं जा रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2471 तो भाई दोपहर के बज रहे हैं 12:16 और लॉग इन करे बाद पहला ऑर्डर डाला कराची बेकरी, रोड नंबर 1 बंजारा हिल से, तो पिकअप कर लेंगे अपन। ऑर्डर ये देना है अपने को एमएलए कॉलोनी बंजारा हिल्स, जाएंगे डिलीवर करने के वास्ते। आज ट्यूसडे है, जैसा कि बोला मैं कल छुट्टी ले लिया, बल्कि मंडे के दिन रेस्ट ले लेना ज़रूरी है। वैसे तो अपनी महीने में 10-12 छुट्टियाँ हो ही जाते कैसा भी करके। बहरहाल चलिए देखेंगे, आज ट्यूसडे है, आज कितनी अर्निंग हो पाएंगी अपनी। पूरे हफ्ते का कोशिश करता हूँ मैं मारने को, क्यों बोले तो जोमेटो में पूरे हफ्ते का ही मारे तो कुछ फ़ायदा है, डेली का मारे तो कोई फ़ायदा है नहीं। 200-225 ऐसी चीज इंसेंटिव देता डेली का, और लास्ट में संडे के दिन आखिरी फिरा देता 600-500 इंसेंटिव लगा के। तो चलिए जाएंगे डिलीवर करने के वास्ते। आज जो है कि मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप वगैरह नहीं निकली सुबह से, जो है कि धूप नहीं है, बादल है, बारिश नहीं होना बस। नहीं तो हैदराबाद का मौसम कैसा है बोले तो ठंडी में भी बारिश होती कभी कभी, तो कुछ भी नहीं बोल सकते, बारिश के आसार तो हैं। आप लोग पूरा वीडियो लास्ट देखिए, देखिए पहले ऑर्डर पर गाड़ी चली हुई है अपनी 515 पे है मीटर, देखेंगे लास्ट तक कितनी गाड़ी चलती है अपनी, कितने ऑर्डर होते आज, कितनी अर्निंग होती है। आप लोगों को पूरे चीज़ें बता दूँ मैं, आप लोग पूरा वीडियो लास्ट देखिए भाई प्लीज, ठीक है? थैंक यू। तो भाई दोपहर के बज गए हैं, 3 बजने वाले हैं, और अभी अपन देखो सामाजिक गुड़े के है, एक एक ऑर्डर ले लेके जा रहे हैं। बेगमपेट लकड़ी कापुर से ले लेके आ रहा हूँ मैं, और अब तक अपनी अर्निंग हो गई है देखिए, जैसा कि 286 ऑर्डर हो गए मेरे। आइए पेट्रोल डला लेंगे भाई, ख़त्म पर ही है पेट्रोल, 150। चलो भाई पेट्रोल डला लिया अपन। आज जो है कि सुबह से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली देखिए, और मौसम तो जो है कि भाई ठंडी का आ गया सर का दिख रहा, लेकिन जो है कि गर्मी हो रही, क्यों बोले तो अपन हेलमेट लगा लेके हैं ना भाई, और रात में जो है कि गाड़ी चल रही तो ठंडी लग रही, गाड़ी नहीं चल रही तो नॉर्मली है मौसम। अभी तो हैदराबाद सिटी का बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा आउट एरिया गए तो ठंड लगती, और गाँव का तो मसला अलग ही है भाई, पूरा फॉग हो रहा। अब तो ठंडी का मौसम जो है कि अपना फेवरेट है भाई, कड़ाके की जो ठंडी रहती ना दिसंबर जनवरी की, वो अपन बचपन में करे सो है गांव में, उसके बाद से तो फिर अपन बाहर ही थे, कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, कभी बेंगलोर रहा हूँ मैं, कभी कुवैत रहा हूँ मैं, तो कभी हैदराबाद, इतने सालों से करीब 10-12 साल से हैदराबाद, तो गाँव की ठंडी बचपन में करे सो है, दिल बोलता जाने का भाई गाँव को ठंडी के दिन में, जो कि ठंडी का मज़ा लेने के वास्ते, ऐसा जो गेहूं और धान का जो क्या बोलते हैं, अब तो उसको कट करके गाय भैंसों को डाल देते, लेकिन वो जो पोरा, देखो अपने गांव में पोरा बोलते हैं उसको, जो है ऐसा बिछा के फिर उसके ऊपर जो है कि चादर वादर बिछा लेके रदाई उदाई डाल लेके ज़बरदस्त सोते थे एक कमरे में 7-8 जने लाइन से, वो अलग ही मसला रहता भाई गाँव का। और मेरा मसला कैसा है, मैं 2 स्कूलों में एक साथ पढ़े हूँ, एक मदरसे में और एक स्कूल में, जो कि आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। फिर जो है कि स्कूल को जाना या मदरसे को जाना, फिर जो है कि घर आना, फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई करना, नहीं तो जाके बाहर खेलना, जैसे लट्टू खेलते थे अपन,
कंचे खेलते थे अपन, और बहुत सारे गेम्स रहते थे, क्रिकेट भी खेलते थे कभी कभी। थैंक यू। तो अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ तो आई होंगी कि भाई दो जगह कैसा पढ़ सकते हैं, एक जगह स्कूल में एक जगह मदरसे में। चौथी क्लास और पांचवी क्लास इधर मदरसे में चल रही थी और उधर सातवीं और आठवीं स्कूल में चल रही थी अपनी। तो जो मदरसे की जो टाइमिंग थी 6 से 11 की टाइमिंग थी, 5 घंटे पढ़ाई होती थी। तो अपन 6:45 मदरसे पहुँच जाते थे पहले। एक्चुअली अपन ही जो है कि चाबी ले लेके जो अपने मदरसे के वो थे सेक्रेटरी, उनके वहाँ से चाबी ले लेके मैं जाता था, मदरसा खोलता था, टाट वाट बिछाता था मैच पूरा करके रेडी, और फिर अपन जो है कि बात कर रहे थे जो अपने मदरिस थे उनसे कि भाई हमारा को 9:30 बजे तक छुट्टी दे दो बोल के, और हमारे जो सब्जेक्ट हैं जल्दी निपटा दो बोल के। तो 9:30 बजे तक उन्होंने हमारे को छुट्टी दे देते थे, तो अपन साइकिल उठाते थे अपनी, फिर वहाँ से 9:30 बजे फटाफट जो है कि स्कूल पहुँचते थे। तो फिर वहाँ 9:30 बजे घंटा बजता था, घंटी बजती थी, फिर वहाँ से 3:30 बजे छुट्टी होती थी स्कूल से। घर आते आते 4 बजे आते थे, साइकिल से आते थे, फिर वही कभी खेलने को चले आते, कभी बाज़ार करना रहता था तो बाज़ार करके आते थे घर को, सब्ज़ी तरकारी। बचपन से ही जो है कि मैं बाज़ार करता था, मैं सब्ज़ी तरकारी लाना, गोश्त लाना, ये सब पूरा बचपन से मैं कराता हूँ। घर के काम बोलो, बाहर के काम बोलो, स्कूल पढ़ाई वढ़ाई सब। क्यों बोले तो हमारे बचपन में हमारे वालिद साहब जो थे वो बाहर थे, सऊदी थे, दोनों सऊदी में थे, तो अपने को जो घर के काम आ रहे थे अपने को इसका लेना था। तो और भी बहुत चीज़ें आप लोगों को लाइफ स्टोरी सुनने को मिलेंगी आगे चल के, तो ये चैनल पे लाइक कभी लाइव आता हूँ मैं, कभी ऐसा बीच बीच में बतलाते रहता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग कोई भी व्लॉग मिस मत कीजिए, पूरे व्लॉग देखा कीजिए मेरे, और प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर चैनल पे आप लोग नए आए हैं, सब्सक्राइब करके नहीं रहते तो कर लिया कीजिए भाई, उससे थोड़ा क्या है मोटिवेशन मिलता कि हाँ भाई हमारे भी सब्सक्राइबर आए हैं, हमारे भी लाइक्स मिल रहे, तो हमारे को भी थोड़ा इंस्पिरेशन होता, थोड़ा जोश होता कि भाई हाँ डालेंगे बोल के वीडियो। नहीं तो दिल नहीं बोलता भाई वीडियो डालने का, अगर आप लोग जो है कि लाइक नहीं करे या सब्सक्राइब नहीं करके रखते। और हमारे को मालूम भी होता जैसे अपने कितने लोग देखने वाले में से सब्सक्राइब करके रखे कितने परसेंट, कितने नहीं करके रखे, तो वो एक चीज़ से थोड़ा क्या है, अगर जैसे 70% कभी कभी मैं देखता हूँ किसी महीने जो लोग सब्सक्राइब करके नहीं रखे देखने वाले, तो उससे थोड़ा क्या है डीमोटिवेट होता कि भाई देख तो रहे मगर सब्सक्राइब करके नहीं रखे। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ भी नहीं जा रहा। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो भाई रात के बज गए हैं 8:05, और अभी बंजारा हिल्स पे है अपन। देखो इन्हें फ़ोन नहीं उठा रहे हैं कस्टमर, ट्राई कर रहा हूँ, पूरा टाइम ख़राब हो रहा है यहाँ पे। कम से कम 10 मिनट हो गया मेरे को यहाँ पे ठहर के, और कंपनी वाले बोल रहे हैं कि और जो है कि 20 मिनट ठहरो यहाँ पे। हेलो, हाँ क्या हुआ भाई, फ़ोन आना कुछ भी नहीं उठा रहे आप। फ़ोन आया आपको? फ़ोन क्या है, साइलेंट में है। साइलेंट में रखे तो कैसा साहब, ऑर्डर करके टाइम ख़राब खाली का। चलो भाई शुक्र है फ़ोन तो लगा, यहाँ पे 15 मिनट से वेट करते करते अपना टाइम ख़राब हो गया। तो भाई रात के बज गए हैं 8:15, और अब तक की मेरी अर्निंग देखिए 15-18 हो गए, 837 अर्निंग हो गई। आड़रा तो है आज बैक टू बैक, लेकिन भाई बहुत ट्रैफिक है। खाली संडे के दिन थोड़ा सुकून रहता, बाकी के दिन तो भाई दम ही दम रहता समझो, बस क्या करेंगे, अब कर लेना पड़ रहा भाई, और कुछ काम समझ में आता नहीं अपने। कम से कम इसमें करें तो 1,000 रुपये बच रहे हैं, और वैसे भी जो है कि 25,000-20,000 की नौकरी कहीं पे करेंगे अपन ऑफिस में, तो वहाँ भी तो जो है कि कम रहता, इनके बातें सुनना, ऊपर वाले के बातें सुनना। आप लोगों में से जो देखने वाले उनमें से कुछ लोग वहाँ करे होंगे कहीं ना कहीं कुछ काम, तो आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा, तो आप लोग कमेंट करके बतला सकते हैं भाई। दूसरी जगह अगर कुछ भी काम करेंगे अपन, जैसे देखो मैं पहले हैदराबाद में, अपन जब स्विगी जोमेटो में नहीं थे तो अपन हैदराबाद में होटल में काम करते, रेस्टोरेंट में काम करते थे। मैं कैशियर की जॉब करता था यहाँ टोल चौकी पे, शहजादे एक रेस्टोरेंट था। देखो जिन लोगों को याद होगा उन लोगों को मालूम होगा कि शागोस के बिल्कुल लग के
शहजादे रेस्टोरेंट बोल के था, बंद हो गया वो रेस्टोरेंट, तो अपन वहाँ से चले गए थे। बंद हुए बाद वो रेस्टोरेंट अपन जो है कि दूसरी कैशियर की जॉब नहीं ढूंढे, अपन स्विगी जोमेटो में ही लग गए। तो वहाँ पर भी जो है कि अपनी 18,000 रुपये तनख्वाह थी, 12 घंटे ड्यूटी थी और एक टाइम का खाना था, तो ये सब जो है कि थे। उसके बाद से जो है कि मैं कैशियर की जॉब या मैनेजर की जॉब में ढूंढने की कोशिश नहीं करा मैं। और कुवैत में रहे वक्त मैं जो है कि एज ए बरिश्ता काम करता था, मैं कॉफ़ी बनाता था, तो उसमें ज़बरदस्त था कुवैत का कॉफ़ी बनाने का। अब यहाँ स्टारबक्स और CCD में जाके पूछेंगे आप लोग हाँ कि भाई कॉफ़ी बनाने वाले की तनख्वाह कितनी है, बोले तो लोग हाँ बोलेंगे 12,000-14,000, और बहुत पुराने रहेंगे तो 15,000-16,000 रुपये रहती जो कॉफ़ी बनाते। मगर उनको सिर्फ कॉफ़ी बनाना नहीं रहता, तो लोगों को पूरे चीज़ें देखना पड़ता, जैसे कि कैश भी देखना पड़ता, आइटम भी, स्टॉक भी, पूरा जो है कि वहाँ पे पूरा CCD देखना पड़ता या पूरा स्टारबक्स जो है कि ले लेके चलना पड़ता। एक पर्टिकुलर जॉब नहीं रहती कि आपको सिर्फ कॉफ़ी बनाना है बोल के। अब मेरे को कुवैत में कैसा था बोले तो अपन खाली कॉफ़ी बना दे रहे थे, आर्टिशियन कॉफ़ी, उसमें हार्ट बनाना, लीफ बनाना, नाम लिखना कॉफ़ी के ऊपर, वो सब जो है कि मेरे को आता, अभी भी काम आता वो, ऐसा नहीं कि भूल गया मैं। आप लोग मेरे इसी चैनल पर एक शॉर्ट होगा, एक 1.5 मिनट का कुछ वीडियो होगा पुराना, उसमें मैं ग्रीन माचा लाते बोल के बनाया था एक जैपनीज कॉफ़ी, वो आप लोग जाके उसका वीडियो देख सकते हैं। आप लोग पुराना वीडियो है जब अपन यूट्यूब पे सोचे भी नहीं थे कि पैसे आते इससे, यूट्यूब पे वीडियो डालने से, जब अपने को मालूम भी नहीं था, बस अपन ऐसे फेसबुक पे डालते थे फोटोज़, तो यूट्यूब पर भी एक वीडियो एक आध दो वीडियोज़ मैं अपलोड करता था ऐसी कॉफ़ी के और ट्रैवलिंग के फ़ोटोज़ वगैरह वीडियो बना के ऐसा डालता था। हैदराबाद में भी जो कि घूमे अपन तो चौमाला पैलेस का वीडियो डाला था एक एक, ऐसे जो वीडियो डाले था मैं, और हुसैन सागर का डाला था। तो वैसे शौक़ था पहले से ही वीडियो बना के अपलोड करने का, मगर ये चीज़ मालूम नहीं थी कि अपने को फेसबुक यूट्यूब इंस्टा से जो कि पैसे भी आते बोल के। लेकिन एक वक्त जब आया 2017-2016 के बाद मालूम हुआ कि भाई नहीं अच्छा कमा भी सकते भाई, यूट्यूब से मोनेटाइजेशन होता, उससे पैसे भी आते, तो वो चीज़ मालूम हुई थी मेरे को। तो फिर अपन लाइट ले लिए थे कि नहीं कर सकते, वो मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है बहुत ज़्यादा जो है कि दिमाग खपाना पड़ता है उसमें, क्राइटेरिया पूरा करने के वास्ते 1,000 सब्सक्राइबर, 4,000 वॉच टाइम घंटे का होना, घंटे का वॉच टाइम होना 4,000, वो कम्प्लीट करना, तो बहुत मुश्किल था भाई। लेकिन एक साल अपन मेहनत करे यूट्यूब पर, एक साल कंटिन्यू मेहनत करा मैं, बिना कोई कुछ भी सोचे कि पैसे अभी होना है अभी होना है या डीमोटिवेट नहीं हुआ। मैं बोला भाई जितने भी व्यूज आ रहे हैं 10, 20, 30, 50, 100, जितने भी व्यूज आ रहे हैं अपन डालते जाएंगे। एक टाइम आया जब 100, 200, 300, 500 व्यूज आने लगे, फिर धीरे धीरे जो है कि 1,000, 1,500, 2,000 ऐसे ऐसे आते थे। बीच में मेरे 4,000-5,000 तक व्यूज आ रहे थे, लेकिन अभी जो है कि वो कम ज़्यादा चलते रहता, कभी 3,000 जाएंगे किसी महीने एक एक वीडियो पे, 5,000 जाएंगे व्यूज किसी महीने जो कि एक एक वीडियो पे, 2,000 जाने लगेंगे, तो वो ऐसा जो है कि चलते रहता वो। तो कहने का मतलब कि भाई धीरे धीरे हुआ, और एक साल बाद मोनेटाइजेशन के लिए मेरे को एप्लीकेशन आया। तो जब मैं अप्लाई करा तो मेरे को अप्लाई करने के 3 महीने बाद मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी, समझ सकते हैं आप लोग, जो कि $100 कम्प्लीट हुआ था जब पहला। तो फर्स्ट पेमेंट आया बाद जो है कि अपने को टोटल हो गया था अपना 1 साल 3 महीना, मतलब 15 महीने मेरे को लग गए थे पहला पेमेंट आने को यूट्यूब से। 1 साल 3 महीना लग गया था, देखो घसा पूरा 1 साल 3 महीना सबर के साथ। फिर अब जो है कि 2 पेमेंट आया और एक चौथा आने का है, वो भी जो है कि मैं आप लोगों को बतलाते रहता हूँ, आप लोग देख ले सकते हैं। 2 पेमेंट आया, मैं दोनों भी बतलाया कितना आया कितना नहीं आया, इसी चैनल पे जो है कि वीडियो मौजूद है, आप लोग जाके देख ले सकते हैं। और भी जो एक एक पेमेंट आने वाला है 1-2-4 दिन में, वो भी जो है कि मैं आप लोगों को बतला देता हूँ कि कितना आने वाला है, कितना आया कितना नहीं आया बोल के पूरी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर दूँ मैं। अब देखो यहाँ से पिकअप करना है अपने को, हाशी बोल के है, यहाँ गाड़ी लगाएंगे जाएंगे पिकअप करने के वास्ते। यारो पिकअप बहुत बुला रहा जोमेटो में, इसके वास्ते जो कि गाड़ी बहुत चल जा रही है, देखो 619 पे हो गया मीटर, इसका मतलब 100 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है अपनी, देखिए आप लोग। और अर्निंग कितनी हुई मैं बताया आप लोगों को, 837 15 18। चलो भाई पिकअप मार लिए यहाँ से, ऑर्डर ये देना है अपने को, कहाँ देना है खाजागुड़ा, देखो फिर इन्हें भिजाया खाजागुड़ा। तो अपन कुवैत में रहे वक्त जो कॉफ़ी शॉप में मैं काम करता था,
उसमें जो है कि अपन जैसे ड्यूटी बनाते थे डेली, जैसे कभी कोई जो है कि अगर मशीन पे है तो उन्हें सिर्फ पूरा दिन कॉफ़ी बनाएगा, अगर कोई टेबला देख रहा तो उन्हें पूरा दिन जो है कि टेबला देखता। अपना कैसा था बोले तो सिगार लॉन्च था, लगा अरबिया आते थे सिगार पीते थे हम लगा बैठ के लॉन्च में, तो कभी कभी ड्यूटी अपनी लॉन्च में रहती थी तो वहाँ पे कैसा था बोले तो पूरा धुआं धुआं रहता था सिगरेट का और सिगार का, तो एक जो है कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो ये पहला रीज़न था जो कि मेरे को नहीं करना था काम। और सेकंड रीज़न था वहाँ का जो मेरा बॉस था, किसी किसी को अच्छे मिल गए तो अच्छा हो जाता और किसी किसी को बहुत ख़राब मिल जाते तो फिर बहुत ख़राब हो जाता, जीना हराम हो जाता, तो वैसला मसला था। कुछ तो भी अगर गिरता पड़ता था जैसे होटलों में काम करने में या रेस्टोरेंट पे काम करने से भाई होते रहते, गिलास फूटता कभी, कपाँ फूटते कभी, जो एक ही प्लेटाँ फूटते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें ओनर जो रेस्टोरेंट का है उन्हें तनख्वाह काट लेंगा बोल के, उन्हें जो है कि अपने 40-40 दिनारा मार ले रहा था बोल के कि भाई बहुत एक्सपेंसिव है ये आइटम, इसके वास्ते जो है कि अपन, फिर ये सेकेंड रीज़न था छोड़ने का अपन अपने को। जबकि मैं 2 साल के एग्रीमेंट पर गया था, 2 साल का वीज़ा, लेकिन अपन जो है कि 1 साल पे वैकेशन को आए और फिर नहीं गए, तो आप लोग समझ सकते कि कितना जो है कि मेरे को प्रॉब्लम रही होगी कि मैं रिटर्न टिकट लेके नहीं गया, मैं आया हैदराबाद, फिर जो है कि अपन रिटर्न टिकट लेके कुवैत से आए थे कि जाएंगे बोल के, उसको रिटर्न टिकट बतलाना पड़ता था कपिल को कि भाई अपन आने वाले हैं, ये देखो मेरा रिटर्न टिकट है बोल के। तो मैं रिटर्न टिकट ले लिया था, वो मेरे 24,000 रुपये एक्स्ट्रा लॉस हुआ था, लेकिन अपन नहीं गए रिटर्न, यहाँ से इधर ही चले गए। तो फ़ोन आया था अपने को कि भाई कहीं को नहीं आए बोले, तो जो अपना रीज़न था नहीं जाने का वो बता दिया, भाई तुम ऐसा पैसे काट लेंगे बोले तो कैसा आऊँ मैं, जो चीज़ के वास्ते अपन अपना देश छोड़ के गए, अपने घर से दूर जाके जो चीज़ के वास्ते काम कर रहे हैं, पैसों के वास्ते काम कर रहे हैं, वो चीज़ तुम हमारे काट लेंगे तो फिर क्या। होटल में तो चलते रहता भाई, गिलास आँख फूटते, कपाँ फूटते, रश रहता, धक्का लग गया, जीप बोल के कुछ भी गिर गया तो फूट गया। अब तुम उसको एक्सपेंसिव बोल के, बहुत ही 5 स्टार है 7 स्टार है बोल के पैसे कट कर लेंगे तो नहीं होता। तो ये सब रीज़ना दे दिया हमें, फिर नहीं गए अपन। फिर उसके बाद अपन जो है कि वही फिर से जो है कि मैं एक एक रेस्टोरेंट में काम करा हैदराबाद में, उसका नाम नहीं लूँगा मैं क्योंकि वो अभी ओपन है शहजादे तो बंद हो गया। तो वहाँ पे कुछ टाइम काम करा, फिर उसके बाद जो है कि मेरे को समझ में आया कि भैया बॉटल लाइन छोड़ देना पड़ता, कुछ तो भी जो है कि अपना काम करो या नहीं तो ऐसी जॉब ढूंढो जिसमें जो है कि इंडिपेंडेंट रहना अपन, जब दिल बोले काम करो करने को जाओ, जब दिल बोले नको जाओ। तो ऐसा काम बोले को समझ में आया, स्विगी चलो अच्छा है, 35 रुपीज़ पर ऑर्डर दे रहा था उन्हें जब अपन ज्वाइन हुए थे, और जब 1,000 रुपये को 400 इंसेंटिव था तो 1,400 रुपये, और कोई भी क्राइटेरिया नहीं था भाई, कभी भी आओ कभी भी 1,000 रुपये करो, 400 रुपये इंसेंटिव ले लेकर चले जाओ। और महीने का भी इंसेंटिव था उसमें, मंथली भी था, वाउचर पॉइंट्स मिलते थे जिसको अपन अमेजोन में जो है कि क्लेम करते थे। तो बहुत सारे चीज़ें थे स्विगी में भाई, लेकिन अब कुछ भी नहीं है स्विगी में, बेकार हो गया। तो फिर जब कुछ भी नहीं हुआ तो फिर अपन अब जोमेटो में आ गया, आप लोग वहाँ देखे बैगा फेंक दिया मैं स्विगी का, फिर जो है कि जोमेटो में आ गया। तो ये थोड़ी बड़ी जो है कि स्टोरी आप लोगों को बताया मैं, लेकिन अभी तो बहुत बीच बीच में क्या हुआ बोल के बहुत कुछ मैं जो है कि स्किप कर दिया, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ किसी और ब्लॉग में या लाइव कभी आया तो शेयर करता हूँ। बहरहाल चलिए ऑर्डर करेंगे, आज देखेंगे 11 बजे तक कितनी अर्निंग होती है, अब तक तो 800 रुपये अर्निंग हुई। थैंक यू। तो भाई रात के बज गए हैं 11 पूरे, और देखिए जुबली हिल्स पे हूँ मैं, ये ऑर्डर डिलीवर करे बाद ड्यूटी बंदिज हो जाती है अपनी, 11 बजे के बाद डालेगा तो आखिरी डालता है इन्हें, बंदिज होगी देखो ड्यूटी अपनी। बहरहाल आप लोगों को आज की मेरी अर्निंग बतला दे रहा हूँ, यहाँ पे आउट में जाएंगे, आज देखिए 21 ऑर्डर हुए, 1,452 टोटल अर्निंग हुई इंसेंटिव मिला के, जिसमें कि 225 इंसेंटिव है, और ऑर्डर अर्निंग हुई 1147 देखिए, और गाड़ी चल चुकी 663 पे हो गया मीटर, तो इसका मतलब भाई अरे रे 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 बहुत चल जा रही भाई गाड़ी, आप लोगों के सामने ही छे देखिए आप लोग, 150 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी, अभी यहाँ से घर को भी जाना है। कल भाई घर पर आ गया मैं, अब जो है कि नहाता हूँ और खाना खाता हूँ, टाइम मिला तो एडिटिंग करेंगे नहीं तो सो जाएंगे, सुबह कर लेंगे एडिटिंग। और भी जो है कि बहुत चीज़ें जो है कि मैं आप लोगों को नहीं बतलाया, बहुत सी सारी स्टोरीज जो है कि मैं स्किप कर दिया बीच बीच की, तो वो भी जो है कि कभी फुर्सत में बताएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहरहाल भाई बस आज के लिए इतना ही,
ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, पुराने भी है अगर नहीं करके रखे तो भाई कर लो, कुछ भी नहीं जा रहा। तो चलिए फिर मिलते हूँ मैं आपको अगले वाला में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, खुदा हाफिज, मा सलाम। बिल्कुल आ रहे। यो 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 आना, आपका नाम बोलो। मेरा नाम आजाद। आजाद वो आप क्या है आपका यूट्यूब नेम? इंडियन राइडर आजाद। ओ, आपको सब्सक्राइब करना था, ये गाइस सपोर्ट। कहाँ से हो? कहाँ से? आई एम फ्रॉम सिक्किम। सिक्किम? यू आर फ्रॉम नेपाल? फ्रॉम योर ओनली हैदराबाद। हैदराबादी बोलते हैं। इंडियन राइडर आजाद सब्सक्राइब। इंडियन राइडर आजाद। ओके 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 सब्सक्राइब चेंडी।